क्या आप जानते हैं ओसीडी के 11 प्रकार होते हैं, 11 प्रकार की ओसीडी होती है। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गीता से संबंधित ज्ञानवर्धक धार्मिक और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये 11 प्रकार मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। मैंने लगभग 5000 ओसीडी वालों को ठीक किया है, उनमें से ये 11 प्रकार मेरे सामने आए हैं। ओसीडी के लिए एक क्राइटेरिया होता है, पहले उस क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्सेशन, कि कोई अनवांटेड थॉट, इमेज, आइडियाज बार बार मन में आता है, उसे ऑब्सेशन कहते हैं। उसकी वजह से एंग्जाइटी पैदा हो जाती है और उस एंग्जाइटी को शांत करने के लिए कुछ कंपल्शन करना पड़ता है, कुछ चीजों को अवॉइड करना पड़ता है या कुछ बार बार रिपीट करना पड़ता है, जैसे बार बार हाथ धोना, चीजों को बार बार चेक करना, इसे कंपल्शन कहा जाता है। और चौथा कंपोनेंट होता है रिलीफ का। जैसे ही आप कंपल्शन करते हैं तो आपका ऑब्सेशन भी शांत हो जाता है, एंग्जाइटी भी शांत हो जाती है। तो ये 4 कंपोनेंट ओसीडी के अंदर होते हैं, पहला ऑब्सेशन, दूसरा एंग्जाइटी, तीसरा कंपल्शन और चौथा रिलीफ। अगर ये 4 कंपोनेंट आपके बिहेवियर में पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपको ओसीडी है। सबसे पहला प्रकार ओसीडी का होता है कंटेमिनेशन ओसीडी। ये बहुत ही फेमस और जाना पहचाना प्रकार होता है। इसे महिलाओं की ओसीडी भी कहा जाता है, क्योंकि 80% कंटेमिनेशन ओसीडी महिलाओं को ही होती है। इसके सिम्टम जैसे बार बार हाथ धोना, नहाने में बहुत ज्यादा समय लगना। कंटेमिनेशन ओसीडी वाले पानी के मुरीद होते हैं और साबुन के तो दीवाने होते हैं। दूसरा प्रकार है चेकिंग ओसीडी। इसमें किसी ऑब्जेक्ट को बार बार चेक करना पड़ता है, जैसे ताले को बार बार चेक करना। अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो गाड़ी के लॉक को या शीशों को बार बार चेक करना, या किसी अन्य ऑब्जेक्ट की बार बार चेकिंग करना, जैसे महिलाएं गैस को बार बार चेक करती रहती हैं, दरवाजे की कुंडी को बार बार चेक करना, ये चेकिंग ओसीडी के लक्षण हैं। इसमें भी कई बार पैटर्न बन जाते हैं कि 3 बार चेक करना, 4 बार चेक करना, 7 बार चेक करना, 11 बार चेक करना। हर इंसान का अपना अलग से एक पैटर्न इसमें बन जाता है। तीसरा प्रकार है रिलीजियस ओसीडी। भगवान के बारे में गंदे सेक्सुअल विचार आना, या धार्मिक स्थान, धार्मिक पुस्तक के प्रति गंदे सेक्सुअल विचार आना, उन विचारों से आप घबरा जाते हैं और फिर मन्नत मांगना, माफी मांगना, ये रिलीजियस ओसीडी के सिम्टम हैं। चौथी ओसीडी है सोमेटिक ओसीडी। इसे इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें किसी असाध्य, खतरनाक, भयानक बीमारी के विचार बार बार मन में आते हैं, जैसे HIV से संबंधित बार बार विचार आना और टेस्ट बार बार करवाते रहना, रेबीज से संबंधित विचार आना, कुत्तों को अवॉइड करना या वैक्सीन बार बार लगवाते रहना, कैंसर से संबंधित या किसी अन्य खतरनाक बीमारी के विचार बार बार आना। पांचवा प्रकार है रूमिनेशन ओसीडी या प्योरोफोम ओसीडी। इसमें मेंटल ही कंपल्शन होते हैं, मेंटल ही ऑब्सेशन होता है, जैसे मन में ही आपके कुछ ऑब्सेशन आने लग जाते हैं, भगवान से संबंधित हो सकते हैं, कोई विचार हो सकता है, कोई आइडिया, इमेज हो सकती है, तो उसको कट मन ही मन करना, मन में ही कोई पहेली, कोई शब्द या कुछ भी दोहराना। इसमें फिजिकल कोई भी सिम्टम होता नहीं है, बस मन ही मन युद्ध चलता रहता है। इसे प्योरोफोम या रूमिनेशन ओसीडी कहा जाता है। छठा प्रकार है टचिंग ओसीडी। इसमें किसी ऑब्जेक्ट को बार बार टच करना पड़ता है। आप रास्ते से निकल गए, आपने किसी स्थान को या किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं किया तो आप परेशान हो जाएंगे। आप दोबारा आते हैं, उसे 3 बार 7 बार या कोई भी आपका एक पैटर्न सेट होता है, उतनी बार टच करते हैं, फिर आपको संतुष्टि मिलती है, तो ये टचिंग ओसीडी है। इसमें घर की किसी वस्तु को बार बार टच करना पड़ सकता है, किसी मूर्ति को बार बार टच करना पड़ सकता है। सातवां प्रकार है रीइंश्योरेंस, बार बार एक ही बात को पूछना। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ओसीडी है। इसमें सफरर बार बार एक ही बात को पूछता रहता है, जैसे एक ही बात
उसने कह दी तो आपसे पूछेगा, मैंने यही बात कही थी ना, आपने सुन तो ली ना, मैंने यही कहा था ना, या बार बार कहता है एक बार और बता दो, एक बार और बता दो, एक बार और बता दो। जैसे कुछ पेशेंट जो ऑनलाइन काउंसलिंग लेते हैं वो मुझे बार बार पूछते रहते हैं कि सर एक बार और बता दीजिए, आप एक बार और बता दीजिए, लास्ट बार बता दीजिए, आप यही कह रहे थे ना, एक बार और, एक बार और। उनको ये लगता रहता है कि मैंने ठीक से सुना नहीं, या सामने वाले ने ठीक से बताया नहीं, या मैंने कोई गलत तो नहीं सुन लिया, या कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो इसलिए ये बार बार रीइंश्योरेंस लेते रहते हैं या दूसरों से पूछते रहते हैं। ऐसे इंसान किसी के साथी दोस्त या घर में होते हैं तो इनसे बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे ही ऐसा इंसान किसी के पास आता है तो ये भाग जाते हैं, या फोन पर ये बार बार किसी से बात करते हैं तो सामने वाला ब्लॉक ही कर देता है, क्योंकि इसने बार बार ही पूछनी है। तो ये किसी डॉक्टर को या किसी इंसान को इतनी बार पूछते हैं कि सामने वाले को गुस्सा ही दिला देते हैं। असल में इनकी ये रीइंश्योरेंस ओसीडी होती है। आठवां प्रकार है काउंटिंग ओसीडी, किसी चीज को बार बार काउंट करना, तीन बार काउंट करना, चार बार काउंट करना, पैसों को बार बार काउंट करना, अन्य किसी ऑब्जेक्ट को, पेजों को, या कोई भी सामान को बार बार गिनते रहना, बार बार गिनते रहना। अगर आप उसी पैटर्न में तीन बार, चार बार, पांच बार नहीं गिनते हैं तो आप अशांत हो जाते हैं, और जैसे ही गिन लेते हैं शांति मिल जाती है। इसे कहते हैं काउंटिंग ओसीडी। उसके बाद है रिपीट द वर्ड। ओसीडी का नौवा प्रकार है रिपीट द वर्ड। कुछ लोग मन ही मन कुछ वर्ड रिपीट करते रहते हैं। जैसे एक महिला का फोन आया, वो कहती अगर मैंने जज्जा शब्द नहीं बोला तो कुछ बुरा हो जाएगा, तो किसी के नाम में जज्जा आ जाए, जय आ जाए, तो वो उसे पूरा करती या उसे लिखती या जय पर ही अटक जाती। और बहुत सारे जो शब्द से संबंधित होते हैं, रिपीटिशन से संबंधित होते हैं, वो किसी खास चीज को रिपीट करेंगे। अगर वो रिपीट ना करें तब तक वो अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं। जैसे ही किसी खास पैटर्न को या जो मन में उनके शब्द, इमेज या कुछ भी बना होता है उसे रिपीट कर लेते हैं, या उसे लिख लेते हैं, या अपने कंपल्शन को कर लेते हैं, तब वो शांत हो जाते हैं। और दसवां प्रकार है सिमेट्री। ये भी एक जाना पहचाना नाम है। इसमें जोड़े बनाते रहते हैं, तीन का जोड़ा, चार का जोड़ा, सामान का जोड़ा बनाना। मेज के ऊपर ये सामान रखेंगे तो पूरी एक सीध में रखेंगे, एक जैसी चीज एक पास में रखेंगे, कोनों को पूरा मिला करके रखेंगे, कॉपी पेन बिल्कुल सीध में रखेंगे, एक जैसा रखेंगे, जूते बिल्कुल सीध में रखेंगे, या जोड़े बना के रखेंगे, या कलर कॉम्बिनेशन करते रहते हैं, या अलग अलग चीजों को अलग अलग कैटेगराइज में ये बांटते ही रहते हैं। ये सिमिट्री, एक जैसे जोड़े में ये चीजों को सजाते रहते हैं। घर में भी चीजों को, एक ही चीज को एक ही सीध में, या एक ही तरह की चीजों को एक ही लाइन में ये बनाते रहते हैं, करते रहते हैं। ये सिमिट्री प्रकार है। इसके बाद अगला प्रकार आता है, ग्यारहवां प्रकार, वो है रंगों वाली ओसीडी। इसमें किसी खास रंग से संबंधित बार बार मन में विचार आता रहता है। आप उसी रंग को या तो पास में रखते हैं या उसी रंग को बार बार देखते हैं। जब तक उस रंग को ना देखें तब तक आपको लगता रहता है कि कुछ अशुभ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरे पास आए जिन्होंने कहा कि अगर उन्होंने हरा रंग देख लिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हरा रंग तो एक स्पेशल धर्म का प्रतीक है। उस रंग को वो देखते ही परेशान हो जाते थे, देखते ही नहीं थे। कुछ लोग लाल रंग को शुभ मानते हैं, कुछ लोग लाल रंग को अशुभ मानते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग सफ़ेद रंग को बुरा मानते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग तो किसी के विधवा होने का या मृत्यु का या संस्कार में जाने का प्रतीक है, तो वो सफ़ेद रंग को देखना ही नहीं चाहते हैं। देख लें तो दूसरा कंपल्शन करते हैं, या तो काला देखेंगे, या उनके मन में कोई भी पैटर्न या कोई कंपल्शन सेट हुआ होता है, उस कंपल्शन को करते हैं। तो इसे कहते हैं रंगों वाली ओसीडी। तो ये 11 प्रकार ओसीडी के मुख्यतः पाए जाते हैं। और खास बात यह है कि ये 11 प्रकार आपस में एक दूसरे से मिल भी जाते हैं। कई बार एक ही पर्सन को एक से ज्यादा ओसीडी एक साथ पाई जाती है, उसे कहते हैं मल्टीपल ओसीडी। 12वां प्रकार जो ओसीडी का होता है वो होता है मिश्रित ओसीडी या मल्टीपल टाइप ऑफ ओसीडी। एक पेशेंट के अंदर मैंने 8 ओसीडी एक साथ भी देखी है। कंटेमिनेशन ओसीडी भी थी, चेकिंग भी थी, रिलीजियस ओसीडी भी थी, सिमेट्री भी, टचिंग वाली भी, और कई सिम्टम उसके अंदर थे। तो एक पेशेंट के अंदर एक से ज्यादा ओसीडी भी
एक साथ पाई जा सकती है और कई बार ओसीडी के साथ दूसरा डिसऑर्डर भी पाया जा सकता है, जैसे डिप्रेशन भी पाया जा सकता है, फोबिया भी कई बार ओसीडी के साथ पाया जाता है। ओसीडी और फोबिया तो एक ही ग्रुप के डिसऑर्डर हैं, एंजाइटी ग्रुप के ही डिसऑर्डर हैं, लेकिन कई बार फोबिया भी पाया जाता है। इसके साथ साथ डेल्यूजनल डिसऑर्डर भी ओसीडी में कई बार पाया जाता है कि ओसीडी के साथ साथ डेल्यूजन भी होने लग जाते हैं, भ्रम भी होने लग जाता है। रियल में कोई घटना घटी नहीं है, लेकिन उन्हें शक वहम हो जाता है कि रियल में ऐसा हो गया और वो कंपल्शन करने लग जाते हैं। इसके अलावा भी ओसीडी की कुछ अन्य किस्में हो सकती हैं, वो भी मैं किसी अन्य वीडियो में आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी प्रकार की ओसीडी का इलाज बड़ी आसानी से दवाइयों के साथ भी और बिना दवाइयों के सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी और गीता थेरेपी से ऑनलाइन और ऑफलाइन हो जाता है। आप मुझसे बात कर सकते हैं, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है।